केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने प्रयागराज के फाफामऊ स्थित ग्रुप केंद्र परिसर में अपना 85वां सीआरपीएफ दिवस समारोह अत्यंत उत्साह, गर्व एवं हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस अवसर पर भव्य परेड का आयोजन किया गया। सीआरपीएफ के जिन शहीदों ने कर्तव्य की बलिवेदी पर अपने प्राणों को न्योछावर कर दिया, उनके परिजनों को इस परेड के अवसर पर आमंत्रित किया गया। छात्रों तथा एनसीसी कैडेट्स ने भी परेड का आनंद लिया। परेड में सीआरपीएफ की एक महिला टुकड़ी समेत कुल 8 टुकड़ियों ने विभिन्न सेक्टरों से भाग लिया। मार्च पास्ट के दौरान सभी जवानों का उल्लास, जोश एवं तारतम्यता देखते ही बन रही थी। परेड स्थल उत्साही दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। राष्ट्र की सेवा करते हुए अपने प्राण न्योछावर करने वाले बल के 2,259 बहादुरों को समारोह के दौरान शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। अनीश दयाल सिंह, महानिदेशक सीआरपीएफ ने अपने संबोधन में सभी को बल के द्वारा किए जा रहे कार्यों से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि बल की अधिकांश बटालियनें जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर राज्यों एवं नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तैनात हैं। वहां पर बल के प्रयासों के फलस्वरूप आतंकवाद और नक्सलवाद की घटनाओं में भारी कमी आई है, जिसके फलस्वरूप इन राज्यों में शांति एवं विकास का कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। धुर नक्सल प्रभावित इलाकों में नक्सलवाद पर आखिरी प्रहार करने के उद्देश्य से 31 नए फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस स्थापित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने बल में नारी सशक्तिकरण के साथ LMC, लो मेडिकल कैटेगरी, कार्मिकों के स्वास्थ्य सुधार के लिए चल रहे प्रयासों के बारे में बताया। साथ ही देश के विभिन्न तीर्थ स्थलों में बल की सफल तैनाती, अशांत क्षेत्रों में सिविक एक्शन प्रोग्राम के माध्यम से समग्र विकास में सहायता एवं पर्यावरण के संरक्षण में बल के योगदान का भी जिक्र किया। उन्होंने बल द्वारा संचालित PG डिप्लोमा एवं डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्सों को मान्यता प्रदान करने के लिए सीआरपीएफ एवं राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के बीच समझौता ज्ञापन MOU का भी जिक्र किया। उन्होंने जानकारी दी कि वर्ष 2023-24 के दौरान आयोजित विभिन्न राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धाओं में बल के जवानों ने 21 स्वर्ण, 25 रजत एवं 35 कांस्य पदक जीतकर बल का नाम रोशन किया है। महानिदेशक ने विश्वास दिलाया कि सीआरपीएफ अपने मूल मंत्र सेवा और निष्ठा के अनुरूप देश की सुरक्षा और संप्रभुता के लिए हमेशा समर्पित रहेगी। मुख्य अतिथि ने अपने संबोधन में सीआरपीएफ के सभी कार्मिकों एवं उनके परिवारों को सीआरपीएफ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। साथ ही सीआरपीएफ के सभी शहीदों को स्मरण कर श्रद्धांजलि दी और हॉट स्प्रिंग व सरदार पोस्ट पर सीआरपीएफ के शूरवीरों की शौर्य गाथा को भी याद किया। इसके अलावा देश में आंतरिक सुरक्षा व शांति बनाए रखने तथा निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने में सीआरपीएफ की अग्रणी भूमिका की सराहना की। इसके अलावा वीरता पदक विजेताओं को सम्मानित किया गया। सीआरपीएफ के विभिन्न संस्थानों को उनके सराहनीय कार्य के लिए ट्रॉफियां वितरित की गईं। अपर महानिदेशक मध्य जोन सीआरपीएफ ने मुख्य अतिथि को सीआरपीएफ दिवस परेड में उनकी गरिमामयी उपस्थिति के लिए धन्यवाद दिया। साथ ही आश्वस्त किया कि सीआरपीएफ अपनी राष्ट्र प्रथम की परंपरा जारी रखेगा और बल के वीर जवान अदम्य साहस, वीरता और उत्साह के साथ मातृभूमि की सेवा में तत्पर रहेंगे। इस आयोजन के दौरान कोबरा, द्रुत कार्य बल, वैली QAT के अभ्यास प्रदर्शन के साथ अन्य प्रदर्शन भी दर्शकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र रहे। सीआरपीएफ के कोबरा कमांडोज, जिनको जंगल वॉरियर्स के नाम से भी जाना जाता है, द्वारा धुर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान किए जाने वाले युद्ध कौशल का सटीक एवं शानदार प्रदर्शन किया गया। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को उनके हाइडआउट्स पर जाकर नेस्तनाबूद करने की रणनीति का साहसिक प्रदर्शन सीआरपीएफ की जांबाज वैली QAT द्वारा किया गया, जबकि सीआरपीएफ के दंगा नियंत्रण दस्ते द्रुत कार्य बल ने दंगाइयों को काबू में करने की अपनी दक्षता को बखूबी दर्शाया। इसके अतिरिक्त बल में फिजिकल फिटनेस के महत्व को रेखांकित करते हुए योग एवं आसन के अभ्यास प्रदर्शन से मानसिक स्थिरता व एकाग्रता के साथ शारीरिक लचीलेपन में वृद्धि के बारे में अवगत कराया गया। साथ ही बल के लिए उपयुक्त शारीरिक मजबूती एवं चुस्ती दुरुस्ती लाने हेतु किए जाने वाले विभिन्न अभ्यासों का अद्भुत एवं आकर्षक प्रदर्शन किया गया। कीर्ति चक्र विजेता चेतन कुमार चीता, कमांडेंट एवं राहुल माथुर उप कमांडेंट के साथ शौर्य चक्र से सम्मानित दिलीप मलिक उप कमांडेंट, विक्की कुमार उप कमांडेंट, सतेंद्र सिंह सहायक कमांडेंट, अनिरुद्ध प्रताप सिंह सहायक कमांडेंट, अमित कुमार सहायक कमांडेंट एवं सिपाही गमित मुकेश कुमार ने परेड में भाग लिया। इसके अलावा भारोत्तोलन की प्रख्यात खिलाड़ी एवं अर्जुन पुरस्कार व राजीव गांधी खेल रत्न विजेता पद्म कुंजुरानी देवी कमांडेंट ने परेड में भाग लिया।
साथ ही अर्जुन पुरस्कार विजेता जिनमें शामिल हैं साना माचा चानू, दो आईसी, अकरम साह उप कमांडेंट, ए अनीता चानू उप कमांडेंट, के एच थॉम्बी देवी सहायक कमांडेंट, निरीक्षक गीता रानी ने परेड में प्रतिभागिता की। सीआरपीएफ 1939 में नीमच से इसकी स्थापना हुई, इसकी शुरुआत हुई और तब केवल एक ही बटालियन थी सीआरपीएफ में और तब ये क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस कहलाती थी, अंग्रेज़ों का राज्य था। फिर 1949 में सरदार पटेल जो कि भारत के पहले गृह मंत्री थे, उन्होंने इस फोर्स को 1949 में कलर दिया, निशान दिया और उसके बाद से बढ़ते बढ़ते आज ये देश की सबसे बड़ी सीएपीएफ के रूप में उभर के आई है और इसमें जैसा आपको मालूम होगा 248 बटालियन आज इस फोर्स में हैं और जो कि देश के कोने कोने में फैली हुई हैं। अगर इसका इवोल्यूशन देखें तो आप पाएंगे कि जम्मू कश्मीर राज्य यूनियन टेरिटरी में ही लगभग 70 बटालियन हैं जो कि कई कुछ एकाध फोर्सेज हैं भारत सरकार की, उनकी उस पूरी फोर्स से भी ज़्यादा डिप्लॉयमेंट सीआरपीएफ का जेएनके में है। और इसके अलावा अगर इस फोर्स को देखें तो ये इतनी बड़ी फोर्स है, 3.25 लाख लोग की फोर्स, कि इसको मैनेज करना, इसमें ह्यूमन रिसोर्सेज को देखना, उनका ध्यान रखना, ऑपरेशनल टास्क के अलावा ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो भी नेतृत्व होता है फोर्स का उसके ऊपर आती है। तो ये दिवस एक तरीके से सेलिब्रेशन है उस फॉर्मेशन का जिस दिन सीआरपीएफ बनी 1939 में और आज हम लोग कहाँ से कहाँ आ गए, जिसका परिचय आज सब लोगों ने देखा कि किस किस तरीके के डेमोंस्ट्रेशंस सीआरपीएफ के जवानों ने दिखाए।